गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टेलरियम सॉफ्टवेयर सीखेंगे। स्टेलरियम एक प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर है। इसमें हमें हमारा आकाश में स्थापित चीज़ें जैसे कि हमारे तारे, सितारे, हमारे मून, हमारे मार्स, हमारे खगोलीय पिंड, हमारे आकाशीय पिंड हमें जैसे टेलीस्कोप से दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम हमें वैसे ही अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या टैबलेट पे इस सॉफ्टवेयर की स्टेलरियम की हेल्प से दिखेंगे। जैसे कि आपने गूगल अर्थ करा था, गूगल अर्थ में क्या था, हम धरती का कोना कोना देख पा रहे थे, ऐसे ही हम स्टेलरियम से आकाश का कोना कोना देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेलरियम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे जाना है, stellarium.org। उसके बाद जौन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि मेरे पास विंडोज़ है तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करिए। आप विंडोज़ पे डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टेलरियम वेब, जो कि आपके ब्राउज़र में ही खुल जाएगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने प्ले स्टोर से फ़ोन पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ोन से करने की हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फ़ोन से स्टेलरियम डाउनलोड करके कैसे हमको सौरमंडल को देखना है। अभी हम स्टेलरियम वेब पे काम करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें आकाश में हम क्या क्या चीज़ देखेंगे, किस चीज़ को क्या कहते हैं, जो कि हमने विज्ञान में पढ़ा है, उसको थोड़ा और समझते हैं। स्टेलरियम एक फ्री ओपन सोर्स प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर है जो हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन का आकाश पर 3D व्यू दिखाता है, जैसे कि हम अपनी आंखों से बायनोकुलर या टेलीस्कोप से देखते हैं। स्टेलरियम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो हम अपने कंप्यूटर को एक वर्चुअल प्लैनेटोरियम के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। यह सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारों की पोजीशन, उनकी कैलकुलेशन, मतलब कि इस टाइम सूरज कहाँ से उदय हुआ, कहाँ पे अस्त हुआ, कौन सा सितारा कहाँ पर है, किस टाइम पर आज सुबह होगी, किस टाइम पर आज रात होगी, किस लोकेशन पे सूरज कहाँ से दिखाई दे रहा है, वो सब हम देख सकते हैं इसमें। यह सॉफ्टवेयर नक्षत्र भी ड्रॉ करता है और मेटरल शोर, उल्का की बौछार, सौर या चंद्रग्रहण जैसे खगोलीय घटनाओं का भी अनुकरण कर सकता है। नक्षत्र मतलब जैसे हम कहते हैं ना, कौन सी राशि है, किसी की तुला राशि है, किसी की कुंभ राशि है, एक्वेरियस, पीसेस, लिब्रा, एरीज, हम इसमें वो सब भी देख सकते हैं, उनकी इमेजेस भी देख सकते हैं। उल्का पिंड, हमारे धूमकेतु, हमारे तारामंडल, ये सब भी हम देख सकते हैं। स्टेलरियम को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे ऐसा आइकन बना आ जाएगा, आपको डबल क्लिक करके सिर्फ आपको ओपन करना है, ठीक है? तो देखिए हम पहले इसको ओपन करते हैं। मैंने इसकी वेबसाइट पर गई, मैंने डाउनलोड नहीं करा है, मैंने स्टेलरियम वेब वर्जन यूज़ कर रही हूँ। वेब पे मैंने क्लिक करा, देखिए क्लिक होते ही सबसे पहले वो मुझसे मेरी लोकेशन मांग रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुझे, मैं जहाँ पर बैठी हूँ वो लोकेशन ऑटोमेटिकली पता करेगा और मेरे ऊपर जो इस टाइम आकाश है वही दिखाई देगा मुझे। मैंने अलाउ करा, देखिए अलाउ करते ही ये इसने मेरे ऊपर जो मेरे इस टाइम छत पे है वो दिखाया है। टाइम देखिए ये 6:40 का दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने सेट किया था, अभी सुबह का टाइम है तो मैं इसको सुबह का टाइम सेट करती हूँ, 7:30 बजे का। ये देखिए आज की डेट और 7:30 बजे, तो ये दिखा रहा है अभी सुबह का व्यू आ रहा है कि सुबह के टाइम आकाश ऐसा है। अगर मैं इसको रात का टाइम सेट कर दूँगी तो धीरे धीरे देखिए रात के 9:40, 26:10 पर आकाश ऐसा होगा, ठीक है? यहाँ से हमारी लोकेशन है, आप यहाँ पे अपनी कोई भी लोकेशन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया मॉडल टाउन सर्च, ये पंजाब पाकिस्तान का नहीं, मैं महात्मा गांधी मार्ग यही डाल देती हूँ, यूज़ दिस लोकेशन, ठीक है? तो अब ये वहाँ का दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम, ये आपकी मोबाइल की ऐप है, आप स्टेलरियम प्लस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें भी हम जो यहाँ पे देखेंगे वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है? पहली स्क्रीन डे व्यू, नाइट व्यू हमने देख ही लिया, ये नाइट व्यू है और इसका नाइट मोड है। डे व्यू के लिए आप यहाँ से टाइम चेंज कर दीजिए, डेट चेंज कर दीजिए, आकाशीय पिंडे और खगोलीय पिंडों की पहचान करना। अब हम इस सॉफ्टवेयर में सेलेस्टियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे
देखेंगे, पर उससे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए किस चीज़ में क्या होता है, किससे क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ते हैं। हमारा ब्रह्मांड खालिस्तान का विशाल विस्तार है, अंधेरा है, ठंड है, खगोलीय पिंड है जो बेहद विचित्र है। इसमें बहुत सारे तारे हैं। स्टेलेरियम हमें अपने सौर मंडल को देखते हुए रंगीन नेबुला जो कि गैसों के गोलों से बना है, तारा समूह स्टार क्लस्टर और बहुत सारी विशाल आकाश गंगा स्टार गैलेक्सीज जो कि एकत्रित तारों, धूल और गैसों से बना समूह है। हम क्या क्या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि प्लैनेट, स्टार क्लस्टर, नेबुले, डार्क मैटर, ब्लैक होल, गैलेक्सी, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कमेट्स, पल्सर्स, ये सब हम अपने आकाश में थ्रू स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर देखेंगे। तो पहले हम एक एक के बारे में जानना शुरू करते हैं। तारे क्या होते हैं? तारे गर्म का एक बहुत गर्म गैस का एक गोला है। इनमें आपस में ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी से आपस में जुड़े होते हैं। ये गर्मी और प्रकाश देते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है जिससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। रात के समय पृथ्वी में तारे दिखाई देते हैं जो पृथ्वी से विशाल दूरी के कारण आकाश में एक निश्चित चमत्कार बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। तारे समझ आ गया? सूरज, सूरज एक बहुत प्रमुख हमारा आकाश में तारा है जो कि पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्लैनेट्स, ये सब आपने पढ़ा ही है, हमारे 8 प्लैनेट्स, इसमें 9 लिखा हुआ है। ये देखिए मरकरी, मार्स, यूरेनस, राहु, केतु, स्टिल प्लूटो, ये सब हमारे प्लैनेट्स हैं। अब तारे और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है, स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? जो तारे होते हैं वो आकाश में चमकते हैं, एक ही जगह रहते हैं, उनका अपना प्रकाश होता है और वो बहुत बड़े होते हैं। पर जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स कभी आकाश में चमकते नहीं हैं, उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज के चारों ओर घूमते हैं और वो तारों से छोटे होते हैं। ठीक है, स्टार और प्लैनेट का डिफरेंस। मून, मून क्या है? एक उपग्रह है, धरती की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि धरती के चारों ओर 28 दिन में घुमा लेता है एक चक्कर। इसमें धरती का केवल 27% का हिस्सा है, मतलब जैसे मान लीजिए धरती आपकी 100 किलोमीटर की होगी तो चंद्रमा आपका 27 किलोमीटर का होगा। चंद्रमा पर ना पानी है, ना हवा है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है वो सूरज के प्रकाश से दिखाई देता है। सूरज की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, देखिए सूरज की चंद्रमा पर पड़ी और चंद्रमा इसे धरती की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा का उतना ही भाग सूरज की किरणें पड़ती है जो धरती से दिखाई देता है, मतलब जितने भाग पे सूरज की किरणें पड़ी धरती से हमें उतना ही चंद्रमा दिखाई देगा, दूसरा भाग हमें दिखाई नहीं देता। अब आते हैं ये आपके अमावस, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जैसे आप देखते हैं ना फेसिस ऑफ मून, जिसमें हम कहते हैं ना कि चंद्रमा घटता घटता रहता है फिर बढ़ता बढ़ता रहता है, वो सब पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखना। पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा, टाइड्स इन ओशियन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तन स्थितियों को चंद्रमा की कलाएं, दैट इज फेसिस ऑफ मून कहते हैं। यहाँ से पढ़ लेते हैं, अमावस के 15 पश्चात 15 दिन को शुक्ल पक्ष या उजाला पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा के पश्चात चंद्रमा के प्रकाशित भाग में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अगली 15 रात को अमावस का चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। इस दूसरे 15 दिनों को कुशल पक्ष या अंधेरा पक्ष कहते हैं। बेसिकली जब आप अमावस से पूर्णिमा, जब आपका चांद छोटा होते 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 बड़ा होता है उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब बड़े से छोटा होता है तो उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा कृष्ण पक्ष की चौथी रात को, ये हमारा ये चौथी रात है, इसको जो कूड़ा सा चांद दिखता है इसे गिब्बस मून कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की जो ये 11वीं रात होती है, हसिया चांद, या फिर हम इसे कहते हैं हंसने वाला, स्माइलिंग वाला, ये देखिए ये ना स्माइलिंग मून, क्रेसेंट मून कहते हैं। अब आते हैं शूत्र ग्रह और धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स और कमेट, ये क्या होते हैं? शूत्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच सूरज के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे ग्रह होते हैं। आपने देखा होगा सोलर सिस्टम में मंगल और बृहस्पति के पीछे छोटे 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 चट्टानें घूमती रहती हैं, बहुत छोटे आकार की होती हैं, जो कि ऐसी फोटोज होती है, इन्हें हम एस्टेरॉइड कहते हैं। और कॉमेट क्या होते हैं? धूमकेतु, ये भी एक छोटी सी बॉडी है पर ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये रॉक, धूल और आइस से बने होते हैं। एस्टेरॉइड मुख्यतः धातुओं और चट्टानों से बना होता है जबकि धूमकेतु धूल, बर्फ और चट्टानों से बना होता है। ये दोनों हमारे सौर मंडल के इतिहास में लगभग 4.5 अरब साल पहले बने थे। शूत्र ग्रह सूर्य के करीब बने बर्फ
करीब बने, फिर बर्फ से पिघल गए, और दूसरी ओर धूमकेतु सूर्य से काफ़ी दूर बने जिनके कारण उनकी बर्फ़ पिघल नहीं पाई। जब कोई धूमकेतु अपनी कक्षा में सूरज के चारों ओर घूमते हुए सूरज के निकट आने लगता है, उसमें स्थित बर्फ पिघल जाती है, जिससे वाष्पीकृत होकर एक पूंछ का निर्माण होता है, जिसे पूंछल तारा कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये कॉमेट है या भी ये बर्फ़ का गोला है, जैसे ही ये सूरज के चारों ओर आएगा ये पिघल जाएगी, पिघलते पिघलते इसके चारों ओर ये भाप की एक पूरी एक लाइन बन जाएगी, जिसे हम पूंछ कहते हैं, पूंछल तारा। तारामंडल, ये आपने कॉन्स्टेलेशन देखे, ये हमारे ग्रह होते हैं ना, कहते हैं हमारी राशि भी कहते हैं इसको। तारामंडल तारों का समूह है, आकाश में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। नक्षत्र सितारों का समूह है, काल्पनिक रूपरेखा या साधन पाटन के रूप में माना जाता है। जानवर हो गए, लोग हो गए, देवताएं हो गए, उनके रूप से, जैसे कि कुंभ, एरीज, राशि, वृश्चिक, धनु, मकर, ठीक है। नेबुले, नेबुले क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और गैसों से मिला हुआ एक बादल है। ये बहुत बड़े होते हैं, इनका डायमीटर लाखों वर्ष का होता है, और ये ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसी से ही आपके तारे सितारों का जन्म होता है। स्टार क्लस्टर्स, बहुत सारे स्टार्स आपस में इकट्ठे हो गए गुरुत्वाकर्षण द्वारा, एक साथ छिपके हुए हैं, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट सितारे और तारे हो सकते हैं। अब आता है तारामंडल और स्टार क्लस्टर में डिफरेंस क्या हुआ। तारामंडल में वो तारे और खगोलीय वस्तु होते हैं जो पृथ्वी की सतह से देखने पर स्थायी रूप से आकाश में एक ही क्षेत्र में इकट्ठी नजर आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे के पास हैं, उनके आपस में कोई ग्रेविटी नहीं होती, जबकि स्टार क्लस्टर में जो तारे होते हैं वो आसपास होते हैं ग्रेविटी के कारण, और तारामंडल में जो आसपास होते हैं तारे वो नेचुरली अपने पास में हमें दिखाई देते हैं, पर वो उनमें ग्रेविटी नहीं होती। आकाशगंगा, आकाशगंगा को गुरुत्वाकर्षण द्वारा एकत्रित सितारों, धूल और गैस के बड़े समूहों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह आकार में डिफरेंट होती है, आकाशगंगाएं बहुत सारी आकाशगंगा है, इसमें कि हम अपना तारा, सूर्य, ये सब डिस्क की तरह होती है, सीडी की तरह हम देख सकते हैं। तो चलिए, हमने बहुत सारा थ्योरी पढ़ ली, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ये हमारा स्टेरिलम सॉफ्टवेयर है, हमने इसमें डेट टाइम देखते हैं पहले, जैसे कि मैंने 26 तारीख का रात के 9:50 का कि आज कैसा होगा आसमान, मैंने वो देखा। मैं इसमें कुछ बैक का देखना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगले साल कैसा होगा 2021 में, पिछले साल 26/10/2019 को 9:50 पे हमारा आसमान ऐसा था, ठीक है। अब आते हैं हमें इसको कुछ भी सर्च करना है, जैसे कि मुझे मून को सर्च करना है। जब भी मैं मून लिखूंगी, मून के नीचे अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने इन्हें बोला मून को सर्च करना है आपको, जो कि मून हमारा एक उपग्रह है, या एक, या फिर आप मून्स जो कि मेन बेल्ट है ऑस्टेरॉयड की, वो सर्च करना है। हम दोनों चीज़ें सर्च करते हैं, मून को क्लिक करा, देखिए आ गया, और मून के बारे में पूरा का पूरा हमें बता भी रहा है कि मून का कितना मैग्नीट्यूड, कितना डिस्टेंस, कितना रेडियस, कितना फेस, कितनी अवेलेबिलिटी, वो क्या चीज़ है। तो दिस इज़ योर मून, सन, वीनस एंड मून, मून की हमको पोजिशन वो दिखा रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरे वाला मून देखते हैं, क्योंकि हमारा एस्टेरॉयड था, मून्स मेन बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड्स। देखिए बहुत सारे तारे सितारे, बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सब, ये कैपेला, मिल्कन, ये सब हमारे हमारे आकाश में बहुत सारी चीज़ें जिनको साइंटिस्ट ने नाम दे रखा है तारे सितारों को, ये वो चीज़ है। सन देखें, देखिए सन की कितनी सारी चीज़ें खुलकर आ गई। आपको क्या देखना है, सन देखना है, नेबुला देखना है, एस्टेरॉयड देखना है। पहले हम अपना सन देखते हैं, ये रहा हमारा सन। सन के साथ साथ और डिफरेंट प्लैनेट्स हमें दिख रहे हैं, मार्स, विनस, मरकरी, ठीक है। इट्स लुकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम एस्टेरॉयड्स भी देख लेते हैं थोड़े से। देखिए सन के बारे में लिखा आ गया, ये हमने नेबुला देखा एक, ये देखिए ये आपका ये नेबुला है, मतलब एक गैस का गोला बहुत बड़ा। और क्या देखना है हम अपनी, अब वो देखते हैं इसके अंदर नक्षत्र, जैसे कि हमने कहा था ना हमारी राशि होती है लिब्रा, एरीज, हम वो देखते हैं। हम इसमें लिख देते हैं लिब्रा, कोई बात नहीं, अभी इसको हम रुकते हैं, हम यहाँ से नीचे से देखेंगे। सबसे पहले हमारा थे कॉन्स्टिलेशंस, इसको हम बंद करते हैं। कॉन्स्टिलेशंस हमने आपको बताए थे
जो नक्षत्र है देखिए, हरक्यूल्स, लायरा, माइनर, इनको छोटा कर देते हैं। ये हमारे बहुत सारे हमें कॉन्स्टिलेशंस दिख रहे हैं, सैगिटेरियस, एक्विला, और उनकी हमें शेप्स भी ड्रॉ हो रही है, दिख रही है। इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशन 8। इन्हीं कॉन्स्टिलेशन की पिक्चर दिख जाएगी आपको। ये हमने कॉन्स्टिलेशन बंद करा, देखिए कॉन्स्टिलेशन 8 मतलब क्या रहते हैं ना, हमने यहाँ पे सीखा था ना कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टिलेशन 8 क्या होती है, जो कि हम लोग कुछ विचित्र इंसानों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, यहाँ पे हमने सीखा था। ये रहा कॉन्स्टिलेशन माइथोलॉजिकल पीपल और गॉड्स, हमें ये बस सब वही दिख रहे हैं। तो कॉन्स्टिलेशन से कॉन्स्टिलेशन दिखेंगे, कॉन्स्टिलेशन आर्ट से उनकी ड्राइंग दिखेगी। इसे बंद करते हैं। एटमॉस्फेयर, आपको ये एटमॉस्फेयर दिख रहा है, कौन सी तारीख का दिख रहा है, जो हमने तारीख सेट करी है 26/10/2019 का। उसके बाद है ये आपका लैंडस्केप, आपको लैंडस्केप मोड में दिख रहा है। अब ये ग्रिड, ग्रिड क्या होती है, जैसे कि आपने साइंस में, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो ये वही सेम चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज योर इक्विल, पहली थी आपकी अजीम्यूथल ग्रिड, नेक्स्ट इज योर इक्वेटोरियल ग्रिड। ठीक है, कहाँ से आपकी अर्थ का जो इक्वेटोरियल ग्रिड, अर्थ को जो बीच में दो हिस्सों में बांटता है, अर्थ का इक्वेटर, तो ये वो इक्वेटोरियल ग्रिड दिख रही है। इन्हें बंद कर देते हैं हम। नेक्स्ट इज योर डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि वीगा, जो तारे बहुत दूर दूर हैं, आपको वो भी दिखे हैं। सैटर्न, ये ई का मतलब, एन का मतलब, डब्ल्यू का मतलब आपकी डायरेक्शन, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये आपको डायरेक्शंस के साथ बता रहा है। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये उसके बारे में, जैसे मैंने सैटर्न पे क्लिक करा, सैटर्न की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। नाइट मोड, आपका नाइट मोड दिखाएगा, और ये ना ये सब ऑफ करेंगे तो आपका ये नॉर्मल मोड, फुल स्क्रीन से आपको ये फुल स्क्रीन दिखेगा। है ना बेटा, बहुत रोमांचक। हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब बताइए क्या सर्च करें, हमने ऑलमोस्ट स्टार, प्लैनेट्स, नेबुला, कॉन्स्टिलेशन, स्टार क्लस्टर्स, ये सब हमने सर्च कर लिया। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त कितने बजे कहाँ पर कैसे होता है। ठीक है, तो हम कोई सी भी एक डेट सेट कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं हमने 26/10/2019 का सुबह का ही 7:30 बजे का टाइम सेट करें। देखिए जैसे जैसे मैं टाइम कम कर रही हूँ, सुबह हो रही है। देखिए आकाश, मैंने इसे 7:30 कर दिया, और अब मैं इसको करती हूँ 1 मार्च का डेट सेट। ये 1 आ गया, 1 मार्च करती हूँ, 19 कर देती हूँ। 1 मार्च 2019 सुबह के 7:30 बजे आसमान ऐसा था। 7:30, 1 मार्च 19, यहाँ पे जाते हैं, इसको थोड़ा सा कर देते हैं। अब हम इसमें हम सन को ढूंढते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ईस्ट, यहाँ से हम कहते हैं सुबह 7:30 बजे सन ईस्ट से उदय होते हैं। जब हम 1 मार्च कर रहे हैं, एक एक्टिविटी है, 1 मार्च को सन हमारा ईस्ट से थोड़ा सा किनारे में। अब इसको हम 2 करते हैं, देखिए सन थोड़ा सा और टेढ़ा हो गया। ये देखिए सन की पोजीशन देखिए आप डेट वाइज,
अब जैसे जैसे देखेंगे हम डेट बढ़ता जा रहा है, तो हमारा सूरज हर रोज, हालांकि वो ईस्ट से ही उदय होता है, पर ईस्ट से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ, और हर तारीख को किस दिन कहाँ से हमारा उदय हुआ था हम वो देख रहे हैं। 1 से लेकर 9 मार्च, फिर 10 मार्च, 11 मार्च, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23। ठीक है बेटा, देखा? अब हमने इसमें एक्टिविटी में हमने क्या देखा? सूर्योदय की पोजीशन को बदलते हुए देखा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये डायरेक्शंस हमने बता दी है, डेट टाइम सेट करना हमको आपको बता दिया है, ऑब्जेक्ट्स देखना। अच्छा, अब दो चीज़ें आती हैं, नेबुला, आकाश गंगा, ये सब हम देख चुके हैं। हमारे पास दो तरह के व्यू होते हैं स्टेलेरियम में, एक होता है ऑकुलर व्यू और एक हमारा होता है टेलराइड व्यू। अभी ऑकुलर व्यू और टेलराइड व्यू क्या होता है देखिए, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप। ये अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, हम उसको अकाउंट को नहीं बनाते हैं। आपको पहले यहाँ से समझा देती हूँ, ये सब हम कर चुके हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट एक एक टैब के बारे में। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन आर्ट, इक्वेटोरियल ग्रिड, नेबुला, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स, ये देखते हैं। स्टेलेरियम्स की मदद से अलग अलग व्यू में कोई भी कॉन्स्टिलेशन, जैसे कि एक्वेरियस को ढूंढना। यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है एक्यूलर व्यू, इसको सेलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑक्यूलर व्यू आपको सेलेक्ट करना है, तो ये आपका दिख जाएगा ऐसे ही। और टेलराइड व्यू ये होता है, ऑक्यूलर व्यू की तरह हम टेलराइड व्यू में भी देख सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखा रहा है। टेलराइड व्यू आपका ऐसा होता है और ऑक्यूलर व्यू आपका ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए ऑक्यूलर, टेलराइड, इसको जूम जूम इन जूम आउट करिए। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। एक्टिविटी है, आप अपने फ़ोन पर या अपने लैपटॉप पर कॉन्स्टिलेशन आर्ट पे जाना, अपने जॉडाई कार्ड करना, और ये सारे टैब्स ये जो हमने सिखाए हैं, कुछ प्लैनेट्स को, कुछ एस्टेरॉयड्स, कुछ कॉमेट्स को सर्च करना। चैप्टर की एक्सरसाइज पर चलते हैं। स्टेलेरियम एक डैश प्लानिटेरियम है, फ्री ओपन सोर्स, ए पार्ट। डैश की मदद से स्टेलेरियम आसानी से कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, सी पार्ट, इंटरनेट। स्टेलेरियम भांति भांति की डैश में उपयोग किया जाता है, भांति भांति की लैंग्वेजेस में उपयोग किया जाता है। चंद्रमा की प्रति रात परिवर्तन स्थिति को क्या कहते हैं? फेस ऑफ मून। ठीक है, फिलिंडा प्लेन्स, स्टेलेरियम की मदद से हम डैश और डैश ढूंढ सकते हैं, इसमें आएगा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। स्टेलेरियम एक ओपन सोर्स प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर है, डैश विंडो की मदद से हम स्टेलेरियम में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं, इसमें आएगा फाइंड ऑब्जेक्ट। स्टेलेरियम में दो व्यू होते हैं, ऑक्युलर व्यू और टेलराइड व्यू। ठीक है बेटा, आज फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेलेरियम से हम स्मार्टफोन की मदद में, स्टेलेरियम को हम स्मार्टफोन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, गलत, कर सकते हैं। स्टेलेरियम को उपयोग करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है, गलत। आप उसको सिस्टम में इंस्टॉल करिए, फ़ोन में इंस्टॉल करिए, और आप उसको डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है, तो आप कर सकते हैं। तारामंडल, तारा समूह एक ही होते हैं, सही नहीं, सेकंड पार्ट भी सही है, स्टेलेरियम आपका नेट से ही चलेगा। तारामंडल, तारा समूह एक ही होते हैं, गलत। स्टेलेरियम की मदद से हम तारों ग्रह को देख सकते हैं, सही। स्टेलेरियम क्या है, सबसे आगे हमने वीडियो में देखा था, आप वही लिखिए। चंद्रमा की कलाएँ क्या होती हैं, चंद्रमा की कलाएँ फेजेस ऑफ मून होता है। कॉन्स्टिलेशन आर्ट क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में कराई था, कॉन्स्टिलेशन में जो हम जोडाइक साइंस के हमें पिक्चर्स दिखते हैं। स्टेलेरियम में दिखने वाले किन्हीं 6 आकाशीय पिंडों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, जो हमने शुरू में आपको थ्योरी बताई थी एक एक आकाशीय पिंड के बारे में, आप वही लिखिए। और शुद्र केतु और धूम केतु, ये भी मैंने पिछला वीडियो में बनाया है, बताया है आपको, वहाँ से लिख लीजिए। इसी वीडियो में आगे की तरफ आप करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और फाइंड ऑब्जेक्ट विंडो में कैसे काम किया जाता है, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, जो लिखेंगे आपको फाइंड ऑब्जेक्ट जाइए, टाइप करिए, और आपको प्लैनेट है या एस्टेरॉयड है उस पर लिखिए, आपको ये सर्च होकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई ये सब लिखना है। ठीक है बेटा, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म है, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।
कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा ईमेल आईडी है ictbyruchi@gmail.com। आप इसमें मेल करिए, कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, वीडियो को लाइक करना, जिस जिस बच्चे ने कर लिया है उसका कमेंट भी लिखना, ठीक है। थैंक यू।